हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये व्लॉग ना दिवाली का ही है, ये एंड मौके पे ही मेरी डिलीवर हुई थी। ये कुशन कवर है और जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था उसके जस्ट बाद ही ये आ गया था कुशन, मतलब परसों का है। और मैंने तुरंत ही इसकी ओपनिंग की, खुल के पैकेट को देखा तो इसमें ना सिर्फ एक ही सिलाई लग रही थी और वो भी इतने बड़े बड़े टांकों की सिलाई लग रही थी। एकदम इतनी गंदी तरीके की सिलाई थी ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कलर डिज़ाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा था लेकिन जो सिलाई हो रही थी वो एकदम बकवास थी। तो फिर मैंने अपनी मशीन ले खा ली, और जब खुद को कुछ करना आता हो ना तो फिर ज़रूरत नहीं होती है इतनी परेशान होने की। और मैंने अपनी मशीन निकाल के तुरंत ही इसकी सिलाई करी और मुश्किल से कोई आधा घंटा लगा और मैंने पांचों कुशनों में अच्छी तरह से पक्की सिलाई लगा के इन्हें एकदम लाइफ टाइम के लिए मजबूत कर लिया। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद में हम निकल चले मार्केट की ओर। तो ये मार्केट है और ये घर से निकलती ही मार्केट है। तो इस समय पे रात के बज रहे हैं 10, और ये 10 बजे ना आधी मार्केट तो खुली हुई है और आधी बंद हो गई है। सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही थी मोबाइल वालों पे, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि देखो क्या हाल है मोबाइल वालों के दुकान पे। बाकी इतनी किसी की दुकान पे भीड़ नहीं लग रही थी। सबसे ज़्यादा मोबाइल शॉप पे या मोबाइल के कॉर्नर पे बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसे कहते हैं हम। और बस फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ को चलते चले गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना तो आप लोग ज़रूर लाइक किया कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ी से हुई थी ना तो उसका पानी अभी तक भरा हुआ है। और ये एरिया ना अंडर पास का आता है तो इसलिए पानी बहुत भर जाता है इधर इसी एरिया में। और बस हम यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह। ये वाली मार्केट में हमको नहीं जाना है, हमें जाना है कहीं दूसरी मार्केट में। आज दिवाली के लिए हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो ये जो ब्लॉग है ना ये छोटी दिवाली वाले दिन का है और मुझे बड़ी दिवाली के लिए शॉपिंग करनी है। और जैसा मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो देखिए कोई नहीं, उसका तो कारण ये होता है ना कि कोई ना कोई घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती हैं और हम जैसे इंसान है उसी के साथ में हमारी प्रॉब्लम भी है। तो बस मैं आ गई थी रात को मार्केट में, लेकिन यहाँ ना जिस मार्केट में मैं आई हूँ वहाँ बहुत अच्छी रौनक थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना मार्केट भर के चल रही थी। और मुझे लेने थे ये बंदरबान के लिए कुछ सामान, तो मैं आ गई थी फूल वाली मार्केट में। और रात के समय पे ना फूल ही फूल होते हैं मार्केट में। तो होता क्या है ना, जैसे बड़ी बड़ी शॉप वाले होते हैं वो अपनी अपनी शॉप को जब बंद करके चले जाते हैं तो उसकी जगह पर जो उनके आगे का एरिया होता है ना उस जगह पर ये फूल वाले आते हैं अपने अपने फूलों की गठरी बांध बांध के ले के और वहाँ पर ये लगा लेते हैं अपनी अपनी छोटी सी नीचे फड़ पे। और एक तो ये इतने अच्छे से फूल भी देते हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश फूल होते हैं इनके। और दूसरा देखिए, ये गरीब लोग होते हैं तो इनका कुछ भला भी हो जाता है। और दिवाली तो सभी के लिए है, चाहे ये छोटे वर्कर हों चाहे बड़े वर्कर हों। काम देखिए, दिवाली तो ऐसा है कि काम के आधार पर नहीं होती है दिवाली, सबकी अंदर से खुशी के लिए होती है। माँ लक्ष्मी सबके घर आती है, भगवान जी गणेश भी सबके घर आते हैं। तो इसी आधार पर बस मैं निकल पड़ी थी मार्केट में फूलों की माला लेने के लिए। बंदरबान बनाने थे, कुछ पूजा के लिए भी फूल चाहिए थे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे और जिसके सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल दिखे मुझे हमने वहीं से लिए। तो ये पूरी मार्केट जो है ना फूलों वाली है और यहाँ पे हर तरह के फूल मिलते हैं। गेंदे का तो इसलिए देखिए सीजन ही होता है तो इसलिए गेंदे की तो फूलों की माला भरपूर होती हैं। बाकी बंदरबान भी होते हैं, अशोक के पत्तों वाली होती है ये बंदरबान। और मेरे पास थे पान के पत्ते भी रखे थे और आम के पत्ते भी थे मेरे पास में, वो मैंने मार्केट से अलग से ले लिए थे। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को आज की अपने शहर की मार्केट ही दिखा रही हूँ फूलों की। और ये फूलों की मार्केट ना बहुत बड़ी है। Thank you.
और देखिए कितनी वैरायटी वैरायटी की चीज़ मिल जाती है मार्केट में। और देखिए रात के ना इस समय पे कम से कम 11:30 का समय है और मार्केट देखिए अभी भी फुल है एकदम, ख़रीदारी करने वाले ख़रीदारी भी कर रहे हैं। तो यही होती है देखिए फेस्टिवल की रौनक कितनी अच्छी होती है। अगर हम वैसे आम समय पे जाएंगे ना तो हमें इतनी जो साज सजावट की चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतनी रोल चौल नहीं मिलेगी। और जो फेस्टिवल पे ना एक से एक वैरायटी की चीज़ आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दिवाली के ही समय पे उस सामान को यूज़ करें, हम बाद में भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए लेकर आ जाते हैं जब फेस्टिवल सीज़न होता है तो अपने हिसाब से घर के सामान लेके आ जाते हैं। और उसके बाद में ये दूसरा दिन हो गया था दिवाली का, ये सुबह सुबह का समय है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास आम के पत्ते भी आए हुए रखे हैं और ये आम के ही पत्ते हैं, तो ये फ्रेश एकदम डाली पे से टूट के आए हैं। तो यहाँ पे हम जो अच्छे अच्छे साफ पत्ते हैं उन्हें अलग कर रहे हैं और जो जैसे कीड़े वगैरह खा लेते हैं या टेढ़े मेढ़े पत्ते होते हैं उन्हें सबको अलग कर लेते हैं। तो वो सुबह सुबह का ही एकदम समय था। और ये काम करने के बाद में ना देखिए और भी काम होते हैं, क्योंकि आज हनुमान जी पूजेंगे। जैसा आप लोग सब जानते हैं बड़ी दिवाली वाले दिन हनुमान जी की पूजा सबसे पहले होती है, तो बस उसकी तैयारी में हम लग गए हैं। और अभी समय हो रहा है 8:30 का, तो आज आंटी 7 बजे ही आ गई थी पोछा लगाने के लिए और आज उनको दिवाली भी विश करनी थी मुझे, तो उनका तो सब काम मैंने कर दिया और वो भी अपना जो भी त्यौहार का सामान होता है वो लेके चली गई थी। और ले जाने के बाद में मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो सबसे पहले आज मैं ही नहाई हूँ। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक बजट, तो बजट के हिसाब से ही हमें सारे काम करने होते हैं। और अभी मुझे गिफ्ट वगैरह भी लेकर आना है क्योंकि मैं लेके नहीं आई हूँ। जैसे कि हम लोगों को आसपास मोहल्ले में भी बांटने होते हैं गिफ्ट को और मिठाइयाँ भी देते हैं, और अपने जो हमारे अंडर में काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको भी देना होता है कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह। तो इस तरह से ना अभी ना तो मैं मिठाई लेकर आई हूँ और ना ही मैं गिफ्ट वगैरह लेके आई हूँ। तो फटाफट से अब करूँगी तैयारी पहले हनुमान जी पूजन की, और सुबह ही इस पूजा का समय होता है तो मेरी पूजा 10 बजे के अंदर अंदर हो जाती है और उसके बाद में जाऊँगी मैं मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। और रही बात डेकोरेशन की, तो देखिए कुछ डेकोरेशन मैं कर चुकी हूँ, और रही आज फाइनल डेकोरेशन की, तो वो भी मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैंने बाल झाड़ लिए और बाल झाड़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अब मुझे सबसे पहले आटा ही लगाना है और सब्जी वगैरह बनानी है। तो देखिए जब हनुमान जी की पूजा करते हैं ना तो सबसे पहला काम यही होता है कि नहा धो के किचन में जाना, उससे पहले मैं किचन में काम करने नहीं जाती हूँ। और आज तो मुझे चाय वगैरह भी नहीं बनानी थी क्योंकि हम किचन में काम करने जाते हैं ना और त्योहारों के दिन, तो मैं बिना नहाए कभी नहीं किचन में काम करती हूँ। सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि घर की सफाई करने के बाद में तभी नहा धो के और तुरंत ही लग जाना किचन में। तो बस यहाँ पे हम किचन में आ गए हैं और मैं आटा वगैरह लगा के एक गैस पे सब्जी चढ़ा दूँगी और दूसरे पे ये जो हमारा पूजा का काम है ना वो शुरू कर दूंगी। तो आज होगी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी की पूजन होगी और ज्योत बत्ती होगी, अग्यारी होगी, धूप दीप होगा, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इस तरह से। तो फटाफट से मैं पहले बालों में क्लेचर लगाऊंगी, नहीं होता क्या ना ये गीले गीले बाल हैं हाथों में चिपकेंगे, और बस ये आटे में आने का मुझे डर रहता है। सबसे ज़्यादा बालों का मुझे यही टेंशन रहता है कि कहीं ये आटे में ना गुथ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो खाने वाले खाना नहीं खाएंगे और बस आज मेरा त्यौहार ख़राब कर देंगे। तो इस चक्कर में ना सबसे पहले मैंने बालों को ही समेटा है, और बालों को समेटने के बाद में
और यहाँ बना ले रही हूँ मैं पूड़ियाँ। तो पूड़ियों के लिए मैंने फटाफट से देखो आटा तो मैंने तैयार कर ही लिया था। तो पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट लगता है तो वो तो लगा के मैंने 10 मिनट के रेस्ट पर रख दिया था। इतने में ही मैंने सब्जी बना ली थी और सब्जी बनाने के बाद में वर्मा जी के लिए चाय वगैरह बनाई थी, क्योंकि वो अब सो के उठेंगे और वो थोड़ा लास्टी उठते हैं, वो रात को थोड़ा लेट सोते हैं। तो देखिए काम के आधार पर ही इंसान का काम चलता है, तो बस वो लेट ही आए थे तो लेट ही सोए और अभी वो उठे भी नहीं हैं। तो मैंने पहले तैयारी सारी कर चुकी हूँ, उनको चाय भी बना के दे दी है, अब वो अपनी तैयारी करेंगे, नहा धो के फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और मैं इतनी देर में पूजा पाठ की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ ना पूजा के लिए तैयार हो रही हैं और मैंने गाय की पूड़ी भी निकाल के रख दी है। तो देखिए इसी तरह से काम होता है, हम जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ होंगी वो ऐसे ही काम करती होंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और अगर कोई मिस्टेक होती हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आ गए हम भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो ये है हनुमान जी का जो कि हम लेकर आए थे, और लेकर आने के बाद मैं रात को मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम मार्केट गए थे, तो वहीं से ही पूजा की मूर्ति लेकर आए थे हनुमान जी की, लक्ष्मी गणेश वगैरह सब लेकर आए थे। और बस यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। तो ये लाल कलर का जो सिंदूर होता है ना हनुमान जी वाला, वही घी में लगा के और इन्हें भगवान जी को हम मतलब वर्मा जी लगा रहे हैं। और देखिए ये सारे काम जो होते हैं ना जेंट्सों के ही होते हैं, मतलब आदमियों के होते हैं, इन कामों को औरतें नहीं करती हैं, तो इसीलिए वर्मा जी कर रहे हैं और मैं उन्हें बताती चल रही हूँ कि यहाँ रह गया यहाँ रह गया। एक्चुअली होता क्या है ना कि वो चश्मा लगाते हैं और अभी तक लगाया नहीं है, तो उनको तो देखिए फिर बताना पड़ेगा ना मुझे, तो ऐसा होता ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं, और मैं यहाँ पर बस इनको बता दे रही हूँ पूरी तरह से। और वो हनुमान जी पे मतलब सिंदूर चढ़ा रहे हैं, और चढ़ाने के बाद में फिर मैंने उनको उनका चश्मा दे दिया था कि लो भाई अपना चश्मा लो और पूजा करने की तैयारी करो। तो उनको मैंने सारा सामान तैयार करके दे दिया था जो हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, अग्यारी भी करके दे दी है। आप लोग पूछोगे कि अग्यारी क्या चीज़ होती है, तो जो हमारे उपले होते हैं कंडे होते हैं उनके छोटे से टुकड़े को हम गैस पे रख के जला लेते हैं और उसी का नाम लेते हैं अग्यारी का। तो बस यहाँ पे हो रही है हनुमान जी की पूजा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग वीडियो।